दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन देखते हैं जनरेटर का भाग तीन। दोस्तों नमस्ते। जनरेटर डीसी जनित्र चल रहा था, दो भाग हो गए थे। डीसी जनरेटर के अपन ने पूरे पार्ट्स भाग पढ़ लिए थे। पोल क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, कार्बन ब्रश क्या होती है। दोस्तों तो आज अपन डीसी जनित्र का भाग तीसरा पढ़ते हैं। दोस्तों डीसी जनित्र भाग तीन, इसमें दोस्तों अपन पढ़ते हैं बैंक ईएमएफ। डीसी जनित्र का बैंक ईएमएफ क्या होता है, बैंक ईएमएफ जिसे कि अपन ईएमएफ, बैंक ईएमएफ नहीं, ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ। जनरेटर में तो ईएमएफ ही उत्पन्न होगा, बैंक की तो जरूर गुंजाइश ही कहाँ है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं जनरेटर में जो गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, उसकी बात करते हैं। गतिज प्रेरित ईएमएफ, गतिज प्रेरित ईएमएफ दोस्तों, तो दोस्तों जनरेटर में ये फील्ड वाइंडिंग होती है, इसको अपन उत्तेजित करते हैं डीसी सप्लाई द्वारा। और जब भी उत्तेजित हो जाती है तो ये एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बना देती है। तो जब मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बना देती है तो इसके बीच में अपन क्या लाते हैं दोस्तों, आर्मेचर लाते हैं और आर्मेचर को घुमाते हैं। जब आर्मेचर लाते हैं तो आर्मेचर पर एक बल लगता है दोस्तों। जैसे ही अपन आर्मेचर को इसके बीच में लाएंगे तो आर्मेचर पे एक बल लगेगा, वो होगा बी एल वी साइन थीटा। क्या होगा, बी एल वी साइन थीटा होगा आर्मेचर पे लगने वाला बल। बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, बी क्या है यहाँ पर, बी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है दोस्तों, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। जैसे धारा घनत्व होती थी ना एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे एल आर्मेचर की लंबाई या चालक की लंबाई, चालक की लंबाई आर्मेचर कुंडली कितनी लंबी है मीटर में होती है लंबाई। और वी क्या है, वी आर्मेचर का वेग है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र में चालक के बीच जो आपेक्षिक गति हो रही है, या तो ये गति कर रहा है या ये कर रहा है, वे चालक के बीच आपेक्षिक गति, वी क्या है चुंबकीय क्षेत्र में चालक के बीच आपेक्षिक गति है दोस्तों। थीटा कोण की बात करते हैं, थीटा कोण क्या है, तो थीटा कोण क्या है दोस्तों, वह कोण जिस पर चालक व चुंबक के क्षेत्र को काटता है। मतलब जो आर्मेचर चालक जिस कोण पर ये चुंबकीय लाइन बनेंगी, एन एस है विपरीत ध्रुव है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये चुंबकीय लाइन बनेगी। इन चुंबकीय लाइन को आर्मेचर जिस कोण पर काटता है उसे अपन कहते हैं थीटा कोण। वह कोण जिस पर चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, वह कोण जिस पर चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, थीटा क्या है, वह कोण है जिस पर चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है दोस्तों। तो अपन बात करें, ये आर्मेचर है, इसको यहाँ कम्यूटेटर से जोड़ा जाता है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, बीच में माइक का भरा रहता है 1.5 से 2.5 mm के बीच में। ये कार्बन ब्रश लगी रहती है, कार्बन ब्रश इस जो सप्लाई है इसको कहाँ देती है, टर्मिनल पे देती है। और ये जो ईएमएफ बनाता है दोस्तों, ये एसी गतिज प्रेरित एसी ईएमएफ बनाता है आर्मेचर। कम्यूटेटर इसको, ये जो कम्यूटेटर है ये इसको डीसी में बदल कर कहाँ देता है, टर्मिनल पे देता है दोस्तों। डीसी जनित्र के टर्मिनल पे क्या मिलती है, डीसी बनती है। तो जैसे ही आर्मेचर, जब आर्मेचर से धारावाही चालक कह सकते हैं इसको, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक एनएस के बीच में ले जाया जाता है तो इस पर एक बल लगता है और वह बल इस चालक को घुमाने की कोशिश करता है और आखिर में इस चालक को घुमा देता है। और जब ये चालक घूमने लग जाता है तो ये ईएमएफ बनाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, गतिज प्रेरित एसी ईएमएफ कहते हैं, गतिज प्रेरित एसी ईएमएफ बनाता है दोस्तों। कैसा है ये, स्थिर ईएमएफ नहीं है, स्थिर ईएमएफ ट्यूबलाइट के चौक ट्रांसफॉर्मर में बनता है। ये कैसा, गति के कारण बनता है, इसलिए गति प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। और ये ईएमएफ क्या बनता है, ईबी बराबर बीएलबी साइन थीटा। अब अपन यहाँ पे बात करें दोस्तों, जैसे ये अपन चार स्थिति ले लेते हैं, 1, 2, 3 और 4,
तो सर्वाधिक ईएमएफ कहां बनेगा, 1 और 3 पे, कहां बनेगा दोस्तों, 1 और 3 पे, अर्थात जब थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, जैसे ये आर्मेचर है और आर्मेचर जब यूं काटेगा तो चुंबक की रेखाओं का सबसे ज्यादा छेदन करेगा, 0 डिग्री पे सबसे कम करेगा, अर्थात जब दोस्तों थीटा का मान 0 डिग्री होगा, थीटा ऐसे होगा चुंबक के लाइनों के समांतर में होगा, तो छेदन कहां करेगा, नहीं कर पाएगा, ये लाइन है और आर्मेचर यूं है तो छेदन नहीं होगा, जब थीटा बराबर 0 होगा दोस्तों तो जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा, ईजी, जनरेटेड ईएमएफ ईजी, ईजी क्या होगा अपना बीएलबी साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, तो बीएलबी गुणा 0 करेंगे तो जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0, अर्थात लगभग मिनिमम होगा, जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम कब होगा, जब थीटा का मान अपना क्या होगा, 0 होगा, थीटा का मान 0 होगा तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा दोस्तों, मिनिमम होगा। और अपन मैक्सिमम की बात करें तो जब अपना थीटा का मान 90 डिग्री होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा, बीएलबी हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो अपना जनरेटेड ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीएलबी हो जाएगा। तो अर्थात अधिकतम जनरेटेड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री पे आर्मेचर जब चुंबक के लाइनों का छेदन करेगा तो अपना जो उत्पन्न ईएमएफ है क्या होगा, सर्वाधिक होगा। और आपको पता है दोस्तों जो ये डीसी जनरेटर है ये क्या बनाता है, एसी साइन वेव ईएमएफ बनाता है, क्या क्या बनाता है, एसी साइन वेव ईएमएफ बनाता है, ये तो कम्यूटेटर इसको डीसी में बदलकर टर्मिनल पे देता है, तो आर्मेचर चाहे एसी जनरेटर का हो चाहे डीसी जनरेटर का हो, दोनों का क्या बनाता है दोस्तों, एसी साइन वेव ईएमएफ ही बनाता है हमेशा। और मैक्सिमम ईएमएफ कहां बनाएगा, जैसे ये साइन वेव है तो मैक्सिमम कहां बनता है, 90 डिग्री पर, कहां बनेगा मैक्सिमम, 90 डिग्री पर, देखो 90 के बाद फिर घटने लग जाता है, 270 पे फिर 0 हो जाता है, फिर ऐसे ही नेगेटिव में चला जाता है, तो मैक्सिमम ईएमएफ कहां बन रहा है, 90 डिग्री पर। तो ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम ईएमएफ आर्मेचर कहां बनाता है, 90 डिग्री पर। अब दोस्तों एसी ईएमएफ बना दिया, तो जो एसी ईएमएफ जनरेटर ने बनाया तो उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तो उत्पन्न एसी ईएमएफ की दिशा, उत्पन्न एसी ईएमएफ की दिशा दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, दाएं हाथ से निकालते हैं, मतलब जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है, कौन सा लगता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है दोस्तों। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है कि दाएं हाथ से आर्मेचर को इस प्रकार पकड़े, दाएं हाथ है ये, दाएं हाथ से आर्मेचर को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा फर्स्ट फिंगर प्रथम उंगली और दूसरी उंगली, ये सेकंड फिंगर हो गई दोस्तों, सेकंड उंगली, तो इन तीनों के बीच में आपस में क्या कोण हो, 90 डिग्री का। दाएं हाथ से आर्मेचर को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा प्रथम उंगली तर्जनी उंगली जो भी रहती है ये, इनके बीच में क्या हो, 90 डिग्री का कोण हो, तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा, तो अंगूठा क्या बताएगा दोस्तों, चालक के घूमने की दिशा बताता है, क्या बताता है, चालक के घूमने की दिशा। और जो फर्स्ट फिंगर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और जो सेकेंड उंगली है दोस्तों ये करंट की दिशा को बताती है, करंट की दिशा को बताती है। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, और ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार ही अपन जो एसी उत्पन्न ईएमएफ है, एसी ईएमएफ बनाया है डीसी जनरेटर ने, उसकी अपन दिशा ज्ञात करते हैं, किससे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। और मोटर में जो आर्मेचर है, मोटर में जो घूमता है आर्मेचर, उसकी दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, परंतु मोटर में जो बैक ईएमएफ बनता है उसकी दिशा अपन इसी से निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जनरेटर पर दाएं हाथ का नियम लगता है, मोटर पे बाएं हाथ का, ऐसे याद रखना है। अपन जनरेटर दोस्तों कैसे चलाते हैं गाँव में अनजनों को, जनरेटरों को शादी ब्याहों में सीधा हाथ से चलाते हैं, तो इसीलिए सीधा हाथ मतलब दाएं हाथ का नियम ही डीसी जनरेटर पे गति प्रेरित ईएमएफ की दिशा निकालने के लिए लगाएंगे।
अब आगे बात करें जनित्र को उल्टा कैसे चलाएं, यह गतिज प्रेरित ईएमएफ है, इसको रिवर्स में कैसे करें। आगे बात करें दोस्तों ईएमएफ इक्वेशन में, नेक्स्ट चलते हैं ईएमएफ की दिशा बदलना। ईएमएफ की दिशा बदलना या जनित्र को उल्टा चलाना, रिवर्स चलाना या उल्टा चलाना। तो दोस्तों जनरेटर को उल्टा चलाने के लिए या तो विपरीत दिशा में घुमाकर, अपन गांव में भी देखते थे कई बार हैंडल नहीं छूटता था, उल्टा स्टार्ट हो जाता था, विपरीत दिशा में घुमाकर भी जनरेटर को अपन उल्टा स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलकर, फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलकर भी अपन जनरेटर का ईएमएफ की दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों आगे बात करें कि जनरेटर में पोलों की संख्या कितनी रखेंगे अपन, और एसी जो चक्र है इसमें वृद्धि कैसे हो। तो जनरेटर में अपन दोस्तों पोलों की संख्या न्यूनतम तो दो रखते हैं, अधिकतम क्या रखते हैं, आठ रखते हैं। दोस्तों अब अपन बात करें कि एक चक्र में कितने पोल होते हैं, तो चक्र बराबर होता है पोलों की संख्या बटे दो। पोलों की संख्या में जब दो का भाग दे देते हैं तो एक चक्र लगता है। अब जैसे अपने पी बटे दो, पोलों की संख्या बटे दो। दूसरा अपना जो आर्मेचर की गति है, चक्र है, वो किस पे निर्भर करता है, एन बटे साठ आरपीएम पे। भाई एक मिनट में एन बटे साठ चक्कर करते हैं, तो यहां से अपन आवृत्ति निकालते हैं तो पी एन बटे क्या हो जाता है, साठ। इन दोनों का गुणा कर देंगे, पी एन बटे साठ गुणा दो, तो ये क्या आ जाएगा, एफ बराबर पी एन बटे 120। यहीं से वो स्पीड का सूत्र निकलता है दोस्तों, एन बराबर 120 एफ अपॉन पी, जिसको अपन पढ़ते आ रहे हैं। ये सूत्र यहीं से निकलता है कि कोई भी जनित्र का जो आर्मेचर है उसकी गति पोल बटे दो पर निर्भर करती है, पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा आर्मेचर की कुंडली की संख्या पर निर्भर करती है। आज कोई भी जनरेटर है उसकी गति पोलों की संख्या पहली, तो दूसरी आर्मेचर में चालकों की संख्या या आर्मेचर कुंडली की संख्या, आर्मेचर कुंडली की संख्या पर जनरेटर की गति निर्भर करती है। तो इन दोनों का गुणा करते हैं तब ये सूत्र निकलता है। अब बात करते हैं दोस्तों जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन की, जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है जो अपन को पढ़ना था, ये तो चलते रहते हैं। अब अपन जनरेटर का ईएमएफ समीकरण की बात करें दोस्तों, तो डीसी जनित्र का या जनरेटर का ईएमएफ समीकरण, जनरेटर का ईएमएफ समीकरण, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इसको हल करने की जरूरत नहीं है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। जनरेटर का बैक ईएमएफ या सॉरी जनरेटेड ईएमएफ समीकरण क्या हो जाएगा, फाई जेड एन पी बटे साठ ए, ये जनरेटर का ईएमएफ समीकरण का जो ईएमएफ बन रहा है उसका सूत्र है दोस्तों। ईजी बराबर फाई जेड एन पी बटे साठ ए, फाई यहाँ पे फ्लक्स है, जेड समांतर चालकों की संख्या है, एन आर्मेचर की स्पीड है, पी पोल है, और ये आर्मेचर में चालकों की संख्या है दोस्तों। अब इसमें भी अपने दो चीज होती है दोस्तों, अगर गति अपनी आरपीएम में है, गति आरपीएम में है तो ईएमएफ समीकरण का सूत्र ये होता है, और यदि गति अपनी आरपीएस में है, गति किस में है, आरपीएस में, तो अपना ईएमएफ समीकरण का सूत्र क्या होता है। देखो दोस्तों एन की जगह क्या लिख देंगे, साठ एन, तो फाइव जेड साठ एन, एन की जगह क्या लिखेंगे, साठ एन पी बटे साठ ए। तो दोस्तों साठ से साठ कट जाता है तो क्या बचता है, सिक्सटी से सिक्सटी कट जाएगा तो क्या बचेगा, फाइव जेड एन पी बटे ए। ये सूत्र कब आएगा ईएमएफ का, जब अपनी गति आरपीएस में होती है जनित्र की तब। इससे आगे दोस्तों आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं अपन, एक लैप और एक वेब। आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, लैप और वेव।
ये दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं आर्मेचर में, एक तो लैप करते हैं और एक वेव करते हैं। तो लैप जो वाइंडिंग है दोस्तों, ये एक दूसरे पे ओवरलैप होती है। कैसे होती है? लैप वाइंडिंग जो करते हैं तो वे ओवरलैप प्रकार से करते हैं, अर्थात एक तार दूसरे तार पे चढ़ा रहता है, एक दूसरी पे ओवरलैप होती है, इसलिए इस वाइंडिंग को अपन समांतर वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। और जो वेव वाइंडिंग है, ये तरंग के रूप में चलती है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होती, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं। ये तो अपन अभी पढ़ लेंगे आर्मेचर वाइंडिंग में। दोस्तों जो मेन याद रख ले वो बात है, लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है, अर्थात समांतर पथों की संख्या क्या होती है? समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों? पोल की संख्या के बराबर होती है। समांतर जैसे पोल दो हैं, तो समांतर पथ भी क्या होंगे? दो। और इसमें समांतर पथों की संख्या क्या होती है दोस्तों? दो। तो इसमें एक ही जगह पी रख देंगे अपन, तो बैक ईएमएफ क्या आ जाएगा लैप वाइंडिंग के लिए? आई जेड एन पी, और एक ही जगह क्या रख देंगे? पी। तो पी से पी कट गया, तो लैप वाइंडिंग के लिए जनरेटेड ईएमएफ का सूत्र हो जाएगा फाई जेड एन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फाई जेड एन बटे 60। 60 तो था ही, 60 ये सूत्र में ही है, तो क्या आ गया? 60। और इसमें अपन एक ही जगह दो रख देंगे, तो बैक ईएमएफ का सूत्र क्या आ जाएगा? फाई जेड एन पी बटे 60 ए, एक ही जगह दो रख देंगे तो फाई जेड एन पी बटे 60 इंटू 2। तो इसके लिए बैक ईएमएफ का सूत्र आ जाएगा दोस्तों फाई जेड एन पी बटे 120। ये वेव वाइंडिंग के लिए, वेव वाइंडिंग जब करेंगे तो जनरेटर में गतिज प्रेरित ईएमएफ का सूत्र आ जाएगा फाई जेड एन पी बटे 120 दोस्तों। तो ये अपना ईएमएफ समीकरण था, और आपको पता है लैप वाइंडिंग क्यों करते हैं? उच्च धारा और निम्न वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग करते हैं। जैसे वेल्डिंग जनरेटर में जो होती है वो लैप वाइंडिंग ही होती है दोस्तों। और वेव वाइंडिंग क्यों करते हैं? ये उच्च विभव और निम्न करंट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ये उच्च धारा निम्न विभव के लिए करते हैं, वेव वाइंडिंग और उच्च वोल्टेज और निम्न विभव के लिए करते हैं दोस्तों। तो ये था जनरेटर का ईएमएफ समीकरण। अब अपन देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ जनरेटर, जनरेटर के प्रकार, जनरेटर कितने प्रकार का होता है, जनरेटर की टाइप्स देखते हैं दोस्तों। तो अब देखो जनरेटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर की बात करते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के प्रकार, तो सबसे पहले दोस्तों जनरेटर दो प्रकार का होता है। सबसे प्रारंभ में एक होता है विद्युत चुंबक और एक होता है स्थायी चुंबक। जनरेटर सबसे पहले दो प्रकार का होता है, स्थायी चुंबक जनित्र और एक होता है विद्युत चुंबक जनित्र। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? विद्युत चुंबक जनित्र। एक स्थायी चुंबक और एक विद्युत चुंबक जनित्र। स्थायी चुंबक जनित्र जो डीसी जनित्र होता है दोस्तों, इसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट जनित्र, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, ठीक है दोस्तों। और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जनित्र, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर दोस्तों। तो अब अपन स्थायी चुंबक की बात करें, तो स्थायी चुंबक जनित्र क्या होता है कि वह जनरेटर जिसमें जो ईएमएफ जो बनता है वो गति द्वारा बदला जा सकता है, कम अधिक केवल कैसे करेंगे? गति के द्वारा करेंगे। और ये जो जनरेटर होते हैं छोटे साइज के जनरेटर होते हैं, और इनका चुंबकीय क्षेत्र स्थिर व कमजोर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, फील्ड की जगह स्थायी चुंबक लगे रहते हैं,
क्या लगे रहते हैं, स्थायी चुंबक लगे रहते हैं, उसमें तो उत्तेजित करते हैं, इसमें नहीं करते। इसमें फील्ड की जगह स्थायी चुंबक लगे रहते हैं और इसका चुंबकीय जो क्षेत्र है कमजोर या वीक होता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर या वीक होता है, क्या होता है दोस्तों, इसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर या वीक होता है, या अपन कह सकते हैं कमजोर वीक या स्थिर होता है। क्या होता है, कमजोर वीक या स्थिर होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ है या उत्पन्न ईएमएफ है, उत्पन्न ईएमएफ गति पर निर्भर करता है, गति पर निर्भर करता है। अपन अभी विद्युत चुंबक में पढ़ेंगे, जैसे डीसी शंट जनरेटर है वो स्थिर वोल्टेज देता है, तो उसमें गति पर ईएमएफ निर्भर नहीं करता, परंतु इसका ईएमएफ केवल गति द्वारा बदला जा सकता है, अर्थात गति पर निर्भर करता है या गति द्वारा बदला जा सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं, गति द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, गति द्वारा इसका जो उत्पन्न ईएमएफ है ये बदला जा सकता है दोस्तों। और स्थायी चुंबक के जो जनित्र होते हैं ये छोटी साइज के होते हैं, छोटी साइज के जो जनित्र हैं वो स्थायी चुंबक जनित्र होते हैं। अब इसका उदाहरण पढ़ें तो दोस्तों डायनामो पूछा जाता है, डायनामो में कौन सा जनित्र रहता है, तो डायनामो एक स्थायी चुंबक प्रकार का जनित्र है। दूसरा है मेगर, मेगर जो अपन कुचालकता, उच्च प्रतिरोध या केबिल का इंसुलेशन चेक करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, कोई भी चीज की जो आईआर वैल्यू चेक करते हैं मेगर से करते हैं, तो मेगर में भी स्थायी चुंबक प्रकार का जनित्र होता है। जैसे ही मेगर को घुमाते हैं तो घुमाने से उसमें ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ कम ज्यादा होता है, तो मेगर और डायनामो में स्थायी चुंबक प्रकार का जनित्र लगा रहता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ स्थायी चुंबक जनित्र समझ खाया होगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों विद्युत चुंबक की। अब विद्युत चुंबक जो जनित्र है ये भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। विद्युत चुंबक जनित्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है पृथक उत्तेजित, कौन सा होता है, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र होते हैं, जिनसे अपन कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, सेपरेटली, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर दोस्तों। दूसरे होते हैं सेल्फ एक्साइटेड, जिन्हें अपन कहते हैं स्व उत्तेजित, हिंदी में क्या कहेंगे, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर, क्या कहते हैं, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर, इन्हें इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ एक्साइटेड। क्या कहेंगे, सेल्फ एक्साइटेड, मतलब ये स्वयं उत्तेजित होते हैं दोस्तों, और 90% यही जनित्र यूज करते हैं अपन, कौन से, स्व उत्तेजित, क्योंकि पृथक उत्तेजित तो केवल पावर प्लांट में यूज लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें अपन फील्ड को उत्तेजित करने के लिए अपन को अलग से डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है, इसलिए जो अपने पृथक उत्तेजित जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, ये बहुत कम उपयोग किए जाते हैं। ज्यादातर उपयोग क्या करते हैं दोस्तों, सेल्फ एक्साइटेड 95% आप तो ये मानो 95% जनित्र अपन सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर ही यूज करते हैं, ये तो केवल पावर प्लांट में काम ले सकते हैं अपन, पावर प्लांट में बाहर से डीसी देकर अपन उत्तेजित कर सकते हैं फील्ड को, तो ये वहीं यूज लेते हैं, बाकी सब जगह स्व उत्तेजित लेते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों तो स्व उत्तेजित जनित्र भी दो प्रकार के होते हैं, और आगे अपन डीपली में देखें तो ये जो स्व उत्तेजित जनित्र हैं दोस्तों ये भी तीन प्रकार के होते हैं स्व उत्तेजित जनित्र। पहला होता है सीरीज जनित्र, कौन सा होता है दोस्तों, सीरीज डीसी जनित्र। दूसरा होता है संट जनित्र, और तीसरा होता है कंपाउंड जनित्र। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, कंपाउंड या मिश्रित जनित्र। ठीक है, सीरीज, संट और कंपाउंड, कंपाउंड डीसी जनित्र जिसको मिश्रित डीसी जनित्र कहते हैं। अब कंपाउंड जनित्र भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, कॉमुलेटिव कंपाउंड जनित्र, कॉमुलेटिव कंपाउंड जनित्र, और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, डिफरेंशियल विभेदी, डिफरेंशियल और संचय, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र।
कॉमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। अब कॉमुलेटिव भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ऐसे ही डिफरेंशियल भी दो प्रकार का होता है दोस्तों, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, ठीक है। अब जो कॉमुलेटिव है ये अलग से तीन प्रकार का भी होता है, ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड या लेवल कंपाउंड या अंडर कंपाउंड। तो ये और अंदर जाके तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो अब वन बाई वन अपन पढ़ते हैं। आशा करता हूँ स्थायी चुंबक जनित्र आपके समझ खा गया होगा, क्योंकि स्थायी चुंबक जनित्र मैंने बता दिया है डायनामो मेगर में लगता है, और ये छोटा प्रकार का जनित्र होता है। इसमें चुंबक स्थायी रूप से लगाया जाता है, इसमें फील्ड को उत्तेजित करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों अपन को। तो ये आशा करता हूँ आपके समझ खा गया होगा स्थायी चुंबक। फिर दूसरे जनित्र हैं विद्युत चुंबक प्रकार के। विद्युत चुंबक दो प्रकार के हैं, पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित जो होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, वो बहुत कम यूज करते हैं दोस्तों अपन पावर प्लांट में, यही आते हैं। दूसरा है अपना स्व उत्तेजित दोस्तों, सेल्फ एक्साइटेड, ये ही 95% यूज आते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनित्र दोस्तों। और ये जो हैं ये तीन प्रकार के होते हैं सीरीज शंट कंपाउंड। कंपाउंड भी दो प्रकार का होता है, कॉमुलेटिव डिफरेंशियल, और कॉमुलेटिव और डिफरेंशियल भी दो दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। और कॉमुलेटिव अलग से तीन प्रकार का होता है, अंडर कंपाउंड, फ्लैट या लेवल कंपाउंड या ओवर कंपाउंड दोस्तों। तो अपन एक एक पढ़ते हैं, स्थायी चुंबक पढ़ लिया, अब विद्युत चुंबक जनित्र देखते हैं। विद्युत चुंबक में सबसे पहले देखते हैं पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र दोस्तों, कौन सा देखते हैं, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र की बात करते हैं अपन दोस्तों। पहले उत्तेजित डीसी जनित्र, इससे दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहते हैं। तो पृथक उत्तेजित क्या होता है, तो पृथक उत्तेजित क्या होता है दोस्तों, वह जनित्र जिसके फील्ड को अलग से उत्तेजित किया जाता हो उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र कहते हैं। अर्थात इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है जो बाहर से सप्लाई देकर बनाया जाता है, इसको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती। तो वह जनित्र जिसके फील्ड को बाहरी से कहते हैं एक्सटर्नल, बाहरी से कह देंगे एक्सटर्नल, बाहरी डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर कहते हैं, उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र कहते हैं, उसे पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र कहते हैं दोस्तों। और इसको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती। अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता किसको होती है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटरों को अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व से इंग्लिश में कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। कई बार पूछ लिया जाता है कि वह जनरेटर जिसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता नहीं होती तो वह सेपरेटली एक्साइटेड है, आवश्यकता नहीं होती इसको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसको फील्ड को क्या करते हैं दोस्तों अपन बाहर से सप्लाई देते हैं, इसलिए इसको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती। बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के ही ये कार्य करता है। इसमें आर्मेचर को अपन दोस्तों लोड से जोड़ देते हैं, और ये कम वोल्टेज अधिक करंट के लिए इसका अपन उपयोग करते हैं, कम वोल्टेज
से अधिक करंट के लिए यूज करते हैं। अब इसका चित्र देखते हैं दोस्तों। जैसे विद्युत लेपन और धातु शुद्धिकरण में इसका अपन यूज कर सकते हैं। वैसे विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और धातु लेपन, विद्युत लेपन और धातु लेपन में भी अपन इसका एक ही बात है कर सकते हैं दोस्तों। और इसको भिन्न बोलता के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका एक गुण होता है, इसे भिन्न वोल्टता के लिए डिजाइन किया जाता है। कैसे किया जाता है? भिन्न वोल्टता के लिए डिजाइन किया जाता है दोस्तों, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र को। अब इसकी अपन बात करें तो ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है दोस्तों। इसकी फील्ड वाइंडिंग को क्या किया है अपन ने, बाहरी डीसी स्रोत से यहां से डीसी सप्लाई दे दी और बाहरी डीसी सप्लाई से क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया। इसके फील्ड को क्या कर दिया दोस्तों, बाहरी डीसी सप्लाई से उत्तेजित कर दिया। और ये इसका आर्मेचर है। आर्मेचर के डायरेक्ट किससे जोड़ देते हैं दोस्तों, लोड से। आर्मेचर को अपन किससे जोड़ेंगे दोस्तों, लोड से जोड़ देंगे। और ये इसका फील्ड है, अर्थात इसका जो आर्मेचर करंट है ये लोड करंट के बराबर होगा, क्योंकि फील्ड करंट पे निर्भर करेगा ही नहीं दोस्तों। और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ माइनस आर्मेचर का ड्रॉप माइनस ब्रश का ड्रॉप। किसका ड्रॉप? ब्रश ड्रॉप, क्योंकि फील्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है। फील्ड तो अपन ने अलग से उत्तेजित किया है, अर्थात इस जनरेटर का जो आर्मेचर का जो करंट है वो फील्ड पर निर्भर नहीं करता। अर्थात